हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी टेट फरवरी 2016 का पर्यावरण अध्ययन का PYQ लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। इस तरह के क्वेश्चन जब हों तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, फिर उनसे जो सबसे कम उपयुक्त ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है। तो पहला देखिए क्या है कि किसी बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण फीडबैक देना अवांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों के बीच सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो ए जो है ना, सिर्फ ओनली फीडबैक दे देना, ये आपका सबसे कम उपयुक्त ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो इसमें देखिए कौन सा किया गया है। इसके लिए क्या करेंगे, बच्चे अपने आसपास देखेंगे कि कौन कौन से जानवर हैं, उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों को लेकर ही बच्चों को आगे शिक्षा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 5 आके शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर पृथ्वी धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है, क्योंकि देखिए 5 लाभ में क्या हो रहा है, बच्चा मुक्त है, वो किसी भी तरह के 5 लाभ लिख सकता है। ठीक है, और ये अभिसारी प्रश्न हो गया और बंद अंत वाला अपसारी, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कक्षा 1 में क्या होता है भाई, उसमें मौखिक परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि बच्चे जो क्लास 1 के होते हैं वो लिख नहीं पाते, थोड़ा बहुत ड्राइंग करा लेना चाहिए। ठीक है, कुछ भी वो बना लेंगे, स्क्वायर और किसी भी तरह की शेप वो दे लेंगे। ठीक है, कलर करेंगे तो, और किसी को ना रोके नीति, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 पर आते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 6। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है, तथा शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया गया है? यानी कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि जब वो उसको सीधे फाइल डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, अवलोकन कर रहा है ना, और जब वो मोड़ कर डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है। तो इस घटना में क्या होता है, बच्चा ध्यान से शिक्षिका के द्वारा की गई घटना को ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। इसमें भी वही क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि जो कम अवांछनीय है उसको आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए कौन सा ऑप्शन कम है। अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक पर सिर्फ नहीं जाना है आपको। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको मतलब समग्र चीज़ों को लेकर चलना है, तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना है, ना ही वो श्रेष्ठ होती हैं, मतलब होती हैं बट उस लेवल की नहीं जितना आपको समग्र जो आपका आसपास का परिवेश है वो बच्चों को सिखा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। तो ऑप्शन बी आपका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। आप बच्चे को एक पौधा दीजिए और उनसे कहिए कि इसको उसका पोषण करें और देखें कि वो किस तरह से बड़ा हो रहा है, किस तरह से उसकी संरक्षण करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते क्या है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ये बच्चे जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। वह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसके लिए 1 और 2, 3 यानी कि सी आपका सही है। ठीक है, 4th है कक्षा में अनुशासन को नहीं बढ़ाता। भाई बच्चे जब ग्रुप लर्निंग करेंगे थोड़ा बहुत शोर और अनुशासन टूटेगा ही। ठीक है, लेकिन ये सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्रपठन, निर्देशन, प्रदर्शन, सृजनात्मक लेखन, हस्तपरक गतिविधि यानी कि अपने हाथों से की हुई एक्टिविटी, ये जो है ना वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका है प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, तो इसमें देखिए क्या कौन कौन से स्रोत होंगे। परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानी एवं कविताएं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या होगा भाई, प्राइमरी लेवल पर तो परिवार होगा, पाठ्यपुस्तक और कहानी एवं कविताएं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्या कह रहा है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णता हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो भाई हम क्यों धूप में रखते हैं कांच के बर्तन को, ताकि उसकी जो नमी है वो पूरी तरह से हट जाए। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। पेड़ों, कुएं और उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए और ए वाला जो 1 और 2 ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं वो सही हैं कि आसपास जब बोरिंग पंप लग जाता है तो क्या होता है कि पानी बोरिंग पंप खींच लेता है तो पानी कम हो जाता है, और मिट्टी को सीमेंट से ढकने से भी क्या होता है कि पानी ज़मीन के अंदर सोख नहीं पाता है, तो भी कुएं में पानी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है आपका। बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। भैंस में जो कीड़े लगे होते हैं बगुला उनको खाता है, तो भैंस को भी आराम मिलती है और बगले का भी पेट भरता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। भोजन भंडारण संचित करना, जड़ तो ये करती है, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण करना। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है वो जड़ का कार्य नहीं है। ठीक है, अब नंबर 16 देखते हैं। नंबर 16 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेटलिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका है 1 और 4 है, यानी कि डी वाला है आपका। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। मल्लेश्वरी वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ठीक है, मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था। 7 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। तो ये पूछ लेते कि कितने किलोग्राम का भार उठाते हैं, ये भी पूछ लेते कि आंध्र प्रदेश
किस जगह पर इनका जन्म हुआ, जैसे यहाँ पे कर्नाटक दे रखा है तो वो हैं कहाँ की वैसे, आंध्र प्रदेश की हैं। तो इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका मुख्यतः निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसके लिए आपका 1, 2, 3, ठीक है, यानी कि बी बी जो है वो सही है। सीढ़ीदार कुएं तथा बावली मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिसमें वर्षा के दिनों में प्राप्त जल को संरक्षित किया जाता है। तो ये कहाँ होते हैं मोस्टली, बावड़ियाँ कहाँ हैं भाई, राजस्थान में ही है ना। वहाँ पर इस तरह की आपको बहुत सी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वही राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी को, बारिश के पानी को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। वर्ली कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वर्ली एक चित्रकला की एक पारंपरिक कला है, ठीक है। 19 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो हमने कहा था कि मैप ज़रूर देखिए, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आप मैप से ही सीख पाएंगे, तो मैप ज़रूर देखिए। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये किस में होता है, गिद्ध में, ठीक है। तो ये जो गिद्ध है ना आपका, वो इतनी तेज़ मतलब सुनने की क्षमता उसकी बहुत तेज़ होती है कि वो इन दोनों में ही अंतर कर लेता है। 21 देखिए, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, कौन सी पर्वत हैं भाई, अहमदाबाद से केरल जा रहा है तो पश्चिमी घाट पर्वत हो गए कि नहीं, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सॉरी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत राजस्थान में, पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्री तट हैं, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। इसीलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी, ठीक है। 22 है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो किसके सापेक्ष, यूएसए के सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। अब 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तेल डालने से क्या होता है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन आपका ए है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, इसमें क्या पूछा है, नहीं रहता है। तो हम देखते हैं मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती है, ततैया, चींटी, दीमक, ये कॉलोनी में रहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गाँव के मकानों के लक्षण, घर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए, असम में। असम के ही घर तो होते हैं ना, जो ज़मीन से 3 मीटर और 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और बांस के खंभों पर टिके होते हैं। ये दो पॉइंट भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आपको या पता चल जाएगा कि असम के घर इस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये 4 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 26 क्या है। कुड़कू कहाँ के लोगों की भाषा है, कुड़क कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड के लोगों की भाषा है कुड़क। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 27 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है, विषय वस्तु पूछी गई है, तो कौन सी थीम है, भोजन है ना भाई, 6 थीम है ना आपकी, तो उनमें से एक जो इसमें दी गई है वो कौन सी है, भोजन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के संदर्भ समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ये पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है।
ये अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे अधिक सशक्त आपका कौन सा है? डी, ठीक है, कि विषय वस्तु विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, छोटे बच्चे हर एक थीम से जाते हुए अपने परिवेश को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, 29 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कैसा कारण पूछा है? कम उपयुक्त, कम देखते क्या है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? कम उपयुक्त, तो आपका डी यहाँ पर कम उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, बच्चे प्रश्न करें, ये हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि बच्चे प्रश्न करें और खोजने का मौका मिले उन्हें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।